एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एंडोस्पोर की स्टेनिंग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं एंडोस्पोर स्टेनिंग होती क्या है। एंडोस्पोर स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो यूज होती है किसमें, बैक्टीरियोलॉजी में, जिससे हम क्या करते हैं एंडोस्पोर की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं किसमें, बैक्टीरियल सैंपल में। इस टेक्निक में जो हमारी प्राइमरी स्टेन होती है वो होती है हमारी मैकेलाइट ग्रीन। और ये जो हमारी मैकेलाइट ग्रीन होती है इसकी लो एफिनिटी होती है और ये वाटर सॉल्युबल होती है, लो एफिनिटी एंड वाटर सॉल्युबल। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में, एंडोस्पोर स्टेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। प्रोसीजर, इस स्टेनिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लीन स्लाइड लेते हैं और उस पर स्मीयर बनाते हैं। टेक अ क्लीन स्लाइड एंड मेक अ स्मीयर। उसके बाद में क्या करते हैं, हम उसे फिक्स करते हैं किसके थ्रू, एयर के थ्रू। फिर बाद में क्या करते हैं, हम जो हमारी स्लाइड होती है उसको कवर करते हैं किससे, ब्लॉटिंग पेपर से। फिर बाद में क्या होता है, जो हमारा ब्लॉटिंग पेपर होता है वो सैचुरेटेड हो जाता है किसके साथ में, मैकेलाइट ग्रीन के साथ में। जो हमारा ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट हो जाता है किसके साथ में, मैकेलाइट ग्रीन के साथ में। उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्टीम देते हैं कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, स्टीम फॉर 5 मिनट। उसके बाद में क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं स्लाइड की किससे, टैप वाटर से। फिर क्या करते हैं, फिर सेफ्रेन को ऐड करते हैं कितनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए। सेफ्रिन को 30 सेकंड के लिए ऐड करने के बाद में क्या करते हैं, दोबारा वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग के बाद क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंडर। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो एंडोस्पोर होता है वो ब्राइट लाइट कलर का दिखता है, एंडोस्पोर ब्राइट लाइट। और जो हमारा वेजिटेटिव पार्ट होता है, मतलब वेजिटेटिव सेल होता है, वो ब्राउनिश रेड से टर्न हो जाता है किसमें, पिंक कलर में। वेजिटेटिव सेल ब्राउनिश रेड से किसमें हो जाता है, पिंक कलर में, टर्न इनटू पिंक कलर। ये हो गया पूरा प्रोसेस किसमें, एंडोस्पोर की स्टेनिंग में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।